नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और यहाँ पे जो मेरे सामने है अनरियल इंजन में मैंने ओपन किया है इसको, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, तो ये है जंगल और इसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, सो बेसिकली पहला मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक ड्रीम्स आपको कहाँ से मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ से एपिक गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। एपिक गेम स्टार्ट करने के बाद आपको जाना है सैम्पल्स में। सैम्पल्स में नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ENV एनवायरमेंट करके है, यहाँ से आप क्लिक करके आप ले सकते हो। ठीक है, वो आप क्रिएट, मतलब यहाँ से पहला फ्री लिख के आएगा, वो क्लिक करो और क्रिएट प्रोजेक्ट करो, फिर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन कहाँ से करना है, आप कंटेंट ड्रॉअर में जाइए। कंटेंट ड्रॉअर में ओपन होने के बाद ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है, और फोल्डर स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे लेबल्स पे क्लिक कीजिए। ओके, सो मैंने यहाँ से लेबल्स पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है तो ये खुला है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग मैप्स है ये, उसके अंदर हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें है क्या और उसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने को पूरे प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा कि इसके जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हम कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और सबसे पहले इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि मैं इसको पर्सनली ना बहुत इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो प्रोसीजरल प्रोसेस है बनाने का, ठीक है, ये इतना सही है। एक मिनट में इसका स्पीड कम कर लेता हूँ। ये इतना सही है कि इसमें आप स्प्लाइन से सब चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं जी प्रेस करता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, या तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अलग 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 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ना हम स्प्लाइन से एडजस्ट कर सकते हैं। हमको तो ये पता है कि हम मार्केट प्लेस में जाएंगे, लेट से मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, फिर हम मार्केट प्लेस से जाएंगे, मार्केट प्लेस से प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे और उसमें से एक एक चीज़ हम मर्ज करके हम पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो हम जानते हैं, राइट। अगर इन केस अगर आपको वो मालूम नहीं है ना, तो नीचे कमेंट डाल दो, तो मैं उसके लिए अलग से एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब अभी 2023 का जो GDC हुआ था इनका, उन्होंने उधर इस चीज़ को प्रेजेंट किया था। मतलब सोचो उन, मतलब इसके ऊपर वो कितने अभी बुलिश है ये पूरे अनरियल इंजन को लेकर। ओके, तो लेट्स से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ में आपको एक बार ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सो यू विल हैव एन बेटर आइडिया। ठीक है, तो इसको हमको पूरा देखने के लिए जो अपना कैमरा मूवमेंट है ना, उसको देखने के लिए यहाँ पे कुछ उन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं, वो एक बार आप ज़रूर चेक करना। सो लेट्स से ये तो पता है, ये तो हम सबको पता है, देखो यहाँ W से का क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे बेस्ट क्या मालूम है क्या, मैं इसको ना प्ले करता हूँ। ठीक है, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। तो पहला इसको प्ले करेंगे। ओके, तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें पूरे इसको, इस कंटेंट को अगर पूरी तरह से देखना है कि ये कंटेंट कैसा बनाया हुआ है, क्या है, तो ये हम कंट्रोल्स प्रेस करके हम ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको ठीक है ना, एक एक करके देखेंगे। जो बीच में था ना, उसको उन्होंने ये दिया था क्या, कोल्यूजन दिया। देखो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को हम ऐसे टकरा नहीं सकते, मतलब हम ऐसे करके जा नहीं सकते, राइट। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्टअप। तो यहाँ पे कुछ बेसिक उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि इसको जो ओपन करेंगे उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन सिस्टम के होने चाहिए।
थोड़ा सा ज़्यादा टूवर्ड्स ग्रेटर साइड लगेगा, बट देख लो एक बार, ठीक है ना। चलो सो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ लेवल्स के अंदर, और यहाँ पे जाता हूँ PCG, जो मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया था वो ये था। मैं भी वापस डबल क्लिक करता हूँ इसको। ओके, ये वही चीज़ है। और नेक्स्ट है क्लोज रेंज, यानी छोटा चीज़ है एकदम, तो उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ से अगर मैंने स्प्लाइन को ना, ये देखो, ये ऐसा करके मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये शेप चेंज हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। जो चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है ना, वो चीज़ ये है कि ये प्रोसेस में वो खुद ब खुद खुद को एडजस्ट कर रहा है। ओके, अपना सोचो कितना समय बचेगा अगर हम पॉपुलेट इस तरह से इस्तेमाल करेंगे आर्किटेक्चरल में। सो लेट्स से यहाँ से कुछ ऐसे, देखो हो गया एडजस्ट। देखो कितनी बढ़िया तरीके से उसने एडजस्ट कर लिया, देखो, राइट। ये कुछ हमने किया क्या अभी, मैंने आपके सामने खाली किसी को हाथ नहीं लगाया, खाली मैंने स्पाइन को हाथ लगाया, राइट। देखो कितना बढ़िया डिटेलिंग आया है। इसके लिए अभी देखो, ये अलग, इसका अंदर से अलग ये स्पाइन है, तो हम इसको भी ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये काम एकदम मस्त, एकदम एकदम सही चीज़ बनाई है। ये देखो पूरा लुक एंड फील चेंज, एनवायरनमेंट चेंज। देखो पूरा खुद ब खुद कैसे एडजस्ट कर लिया। ओके, तो हम पूरा देखेंगे, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, पूरा देखेंगे इसको। मैं वन बाय वन चीज़ एक बार पूरा प्रोसीजरली बता देता हूँ। शुरू से अगर समझो मैंने यहाँ से लैंडस्केप से चालू किया, और बेसिक से चालू करूँगा लैंडस्केप से, और हम इसको बनाएंगे एकदम स्टार्ट टू एंड बनाएंगे, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। सो लेट्स से मैं यहाँ से ब्रेकडाउन में जाता हूँ, तो ब्रेकडाउन के अंदर क्या क्या है एक बार देख लेंगे। ऐसे चार मैप्स भी आपको मिलेंगे, और दूसरी बात क्या, मैं क्या, मैं जैसा वीडियो बनाऊंगा ना, आप उसी सीन को ओपन करके आप अपने पास भी उसको देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। सो लेट्स से मैंने इसको डबल क्लिक करता हूँ, और इस लेवल को मैं डोंट सेव करता हूँ, मुझे ओवरराइट नहीं करना जो भी मैंने उसको एडजस्टमेंट किया। सो आई से डोंट सेव। ओके चलो, तो अभी आपको इसमें सारे मिलेंगे पार्ट्स। ओके, जो भी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मैं, हाँ ओके, देखो अगेन यहाँ पे स्प्लाइन है। ओके, यहाँ पे स्प्लाइन होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ऐसा ये कर्व है ना, तो अगर मैंने इसको और इसको मूव किया, देखो क्या होगा, ये देखो
हो गया ना अपना पूरा का पूरा पाथ, देखो कैसा बन गया। सो इफ़ यू सी इनको इनसाइड, और हमने कुछ ऐसे बनाया था, देखो ये ऐसे करके हमने जो उसको एडिट किया था। सो इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन चेंज राइट अवे। सो यहाँ से मैंने उसको अगर ऐसे एडजस्ट किया तो देखो उसने कैसे शेप पकड़ लिया। ये चीज़ अपने को बहुत एक्साइट कर रही है, ओके क्योंकि अगर हमने कोई भी एनवायरनमेंट बनाया और हमने ऐसे खाली स्प्लाइन घुमाया उसको, और जो भी एनवायरनमेंट अपने को चाहिए तो वो हमने एनवायरनमेंट डाल दिया, तो कितना टाइम लगेगा अपने को एनवायरनमेंट बनाने के लिए आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम, राइट। तो ये प्रोसेस को सीखना ज़रूरी है कि हमने इसमें हम इसमें कैसा कैसा काम करेंगे आर्किटेक्चर के हिसाब से। सो ये तो अलग अलग से देखो ये मतलब मेगा स्कैन से लाए हुए हैं, ओके खाली उसको हमको पीसीजी में कैसे करना है वो हमको देखना है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सिखाऊंगा पीसीजी को कैसे हैंडल करना है, और ये 5.2 में भी ओपन होगा, 5.3 में भी ओपन होगा। वेयर एज अगर 5.3 कर रहे हो तो सबस्ट्रेट मटेरियल है वो भी हम अप्लाई कर सकेंगे, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस राइट नाउ। दो तीन चीज़ों में हम उलझ के रहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी ऑटोडेस्क या मतलब 3D Max और वीरे से कोई बंदा आता है, या स्केचअप और वीरे से कोई बंदा आता है आर्किटेक्चर के स्ट्रीम से, तो मैं नहीं चाहता वो कंफ्यूज हो जाए इसको देखकर, ताकि मैं ऐसे चाहता हूँ कि अनरियल उनको बहुत एकदम ईजी लगना चाहिए। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ में कि आपको अनरियल आसान से आसान लैंग्वेज में आपको सिखाऊँ, ताकि आपको उसका इनक्रेज होना चाहिए सीखने के लिए, ना कि उसको डर लगना चाहिए, ओके। सो चलो, सो लेट्स से यहाँ से आई विल मेक इट सेकंड, से डोंट सेव, ओके। तो ये है पूरा झाड़ का एनवायरनमेंट, राइट। इसमें से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चलो ये देखने की ज़रूरत नहीं इतना। यहाँ से हम थर्ड ओपन करेंगे, थर्ड में है अलग अलग माउंटेंस, उन्होंने जो बने बड़े बड़े हैं वो अलग से रखे हैं, वो हम उसको मर्ज कर सकते हैं। फिर है फोर्थ, कुछ वैसा ही है बट थोड़ा ट्रेल के ही जैसा है, मतलब यहाँ पे बीच पे रास्ता है ना, यहाँ पे पूरी तरह से रास्ता है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है लाइट, मैं थोड़ा लाइट कम करूँ क्या? आई विल प्रेस कंट्रोल एल और ठीक है, कितना सही है ना। धूप आ रही थी, धूप को सन को एडजस्ट कर लिया, छाव हो गई ना। ये देखो कंट्रोल एल करना है और ठीक है, तो यहाँ से हम देखो ऐसे चल सकते हैं पूरा प्रॉपर। थोड़ा स्पीड कम करता हूँ यहाँ से, सो वी कैन वॉक लाइक दिस, और हम इसको स्प्लाइन में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमको जहाँ भी बनाना है वो हम बना सकते हैं, राइट। मैं यहाँ सर होना चाहिए इसमें भी, ये भी स्प्लाइन ही एनेबल्ड है, ये क्या राइट दिख रहा है ना, स्प्लाइन के ऊपर ही सारा चीज़ है। और हम इसको भी थोड़ा सा अभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ये राइट हो गया एडजस्ट। चलो सो यहाँ पे अपने को अलग अलग मैप्स देखने मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, मेगा स्कैन एल क्लिक ऑन स्टैटिक मैश फिल्टर, तो मुझे पूरी तरह से जो मैश है वो दिखाई देगा। अगर आपके पास ऐसा स्टैटिक मैश वाला फिल्टर नहीं है तो कहाँ से ऑन करेंगे आप? यहाँ पे क्लिक करना है आपको, देखो ये जो फिल्टर लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको फिल्टर चाहिए वो आप ऑन कर सकते हो। देखो मेरे तरफ यहाँ से स्टैटिक मैश है, तो यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से करके क्लिक करो,
तो उससे होता क्या है, देखो अभी मुझे हर एक फोल्डर के अंदर जाके देखना पड़ता है ना कि इसके अंदर कुछ है क्या। तो ये दो ढूंढने से अच्छा आप ऐसे ही ऊपर के फोल्डर में रखो और यहाँ पे क्लिक करो स्टैटिक मेश, तो सारा का सारा चीज़ बाहर आके आपको दिख जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये सारा मेगा स्कैन से लाया हुआ चीज़ है और उन्होंने वही अप्लाई किया हुआ है, मतलब उसमें कोई भी बाहर का चीज़ ऐसे नहीं यूज़ किया हुआ है। उनको यही दिखाना है कि मेगा स्कैन और PCG अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें कितना पोटेंशियल है। ओके, सो लेट्स से अभी अगर आपको अनरियल इंजन पूरा डिटेल में सीखना है ना, तो मैंने नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल भी कर सकते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो पूरे मतलब मैं अनरियल इंजन खाली आर्किटेक्चरल और इंटीरियर के हिसाब से ही सिखाता हूँ, दूसरा वर्चुअल प्रोडक्शन हो या VFX हो वो मैं नहीं कवर करता, गेमिंग नहीं कवर करता, मैं आर्किटेक्चरल और इंटीरियर के डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही सिखाता हूँ। ओके, सो अगर वो चीज़ आपको करनी है तो नीचे आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम एक एक चीज़ को हम पूरे ज़ीरो से अप्लाई करेंगे, मतलब मैं अभी बता देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ से हम लेंगे लैंडस्केप और लैंडस्केप से स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से बनाना, ठीक है, और PCG में उसको लाएंगे, क्योंकि बाहर से लैंड मतलब बाहर से वो करके उसको मर्ज करके तो वो कोई भी मतलब आपको मतलब इजीली अवेलेबल है वो चीज़, वो कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है ना PCG के अंदर जो कि आपका रियल पोटेंशियल है अपने लिए, वो हम सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब पक्का करना, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो अनरियल के वीडियोस होंगे वो आपको देखने मिलेंगे। बाय बाय।